महाराष्ट्र ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्पर आसीथिबा बाघुणी को सिमिलीपाल एनक्लोजर रे सफलतार सहित छड़ा जाइछे। दीपावली रो सप्ताहे परे सेही प्रकल्पर पुणी आउ एक बाघुणी सिमिलीपाल आसीबो। जमुना रो स्वास्थ्यवस्था देखि नुआ बाघुणी आसीबार दिन धार्य करा जिवो। बाघुणी जमुना वर्तमान सुस्थ थिबा बेले खेलाखेली करूछे। जमुना देहरे कलर आईडी लागिथिबारु ताकु ट्रैक करिबा सहित स्वास्थ्यवस्था मध्य जांच करा जाई परुछे। महाराष्ट्र एवं सिमिलीपालर एक मिलित विशेषज्ञ टीम वर्तमान जमुना उपरे दिन राती नजर रखिछन्ते। नुआ स्थान जलवायु परिवर्तन सहित अलगा परिस्थिति रे तार गतिविधि एवं स्वास्थ्य केमिति रहुछि ता उपरे नजर रखिछि वन विभाग। फीमेल टाइगर टा आम आनलु तड़ोबाट अंधेरी टाइगर रिजर्व रु गोटे ट्रांकुलाइज करी आम बाय रोड ताकू वाया रायपुर संबलपुर है केंजार है आम सिमिलीपाल भितर आनला गत काली सका आम गोटे सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर छाड़लु। आमर कोर एरिया भितर गोटे वन हेक्टर एनक्लोजर आम रखिलु जोटा कि तैयार होता ता भितरे जो टाइग्रेस टाक छाड़ी आम चार पाँच दिन ना सप्ताह जहाँ हम ताको मॉनिटरिंग करू हेल्थ वेल्थ सब ठीक रहिला ताको जंगल छड़ा जीव भितरे कलर अच्छी आम ताको सैटेलाइट माध्यम रे एवं तांकर एंटीना माध्यम रे भी आम ताको देख पार कुआड़े बुलसी कौन करुची सेटा दुई वर्ष सात मास फीमेल टाइग्रेस और हेल्दी अच्छी वर्तमान आमे बर्तमान आजीरा भी खबर नहीं तो ठीक ठाक अच्छे। ए संपर्क रे अधिक सूचना रखिबा पई बारीपदारु सहयोगी अभिजीत महंती आम सहित रहुछंती। अभिजीत, वर्तमान जहाँ विजुअल मध्य गतकाली ठारु सामना को आसीछि एनक्लोजर ताकु छड़ा जिबा परे से खुशीर सहित ता भितरे चलाबुला करुछि डियांडिंग करुछि एवं एपटे जहाँ सूचना रखा जाउछि जे स्वास्थ्यवस्था वर्तमान ठीक रहिछि। अभिजीत, देखते बहुत निश्चित भाव में महाराष्ट्र रु कटकाली बाघुणी एनक्लोजर आणिकी छाड़ा पर ठारु वन विभाग गोटे दायित्व निश्चित भाव में बढ़ी जाइए। कहीं ना निकट अतीत जो सातकोशियार या प्रोजेक्ट जो फेल्योर होती समस्ते अधिक जत्नवान होती से ही महाराष्ट्र रु ही सातकोशियार आसला तेणु ये बाघुणी आत काली जितेबाला पीसीसीएफ बृत्ति में कही आम नौटी बाघ को चिन्हट करके प्रथम बाघुणी यही आनीचु से ही नौटा चिन्हट रु आउ जो पांचटी मंत्री कौन जे पांचटी आसिबो जमती कि सेटा सातकोशिया हो पारे अन्य जो व्याघ्र प्रकल्प बा अभयारण्य छड़ा जीवार व्यवस्था करा जाउची तार सबुटु बड़ कारण होउची जो मिलेनिस्टिक टाइगर ये गोटे जेनेटिक डिजर्डर आम कला बाघ बोली ताकू कहुचु किंतु से प्रकृत पक्षे सी ना कला बाघ ना महाबल बाघ ये गोटे मझामझी प्रजातिर बाघ सृष्टि सिमिलीपाल जंगल में जोटा एवं चिंतार विषय होती कारण जदि आम देखा 2006 पर सिमिलीपाल जहाँ वन विभाग रिपोर्ट कहुची गोटे मात्र अंडीरा बाघ थिला ताठारु ही पूरा वंश विस्तार हेछि एवं गोटे परिवार रो वंश विस्तार होतबारु ये जेनेटिक डिसऑर्डर हेछि सेइति पई बाहरु बाघुणी आनले परे सेमानको संगरे जो क्रॉस ब्रीडिंग को आ जाय जे अन्य जेनेटिक संगरे ओबा अन्य वंशर बाघ संगरे ए बाघर प्रजनन जो सुस्थ छुआ बाहरिबे ताकुई सिमिलीपालले वर्तमान एस्टेब्लिश करिया कोई बड़ प्रोजेक्ट हाथ को निया जायछि एवं जो एरिया कथा कहते कि जो जनबसती सबुठ गोटे सबुठ बड़ विपद हूँ बाघर वंश विस्तार कहीं डिस्टर्बेंस बाघ के पसंद करे ना तार टेरिटोरी भितर से तेणु जो द्वितीय बाघ आसब ता जमुनागढ़ मयूरभंज साउथ डिविजन जमुनागढ़ अंचल छड़ा जीव जहाँकि गत 4 वर्ष आगु विस्थापन से सरी जाए से जो गाँव लोक थे दी दीटा गाँव लोक को आणिक उदलार नाब्रे रखा जाए जमुनागढ़ को या द्वितीय बाघ जोटा दीपावली पर आसो सही रखा हे और जदि आम कह जमुना उपरे सबुठ बड़ नजर रोचे सीए से ही सामान परिस्थित आसिक सिमिलीपाल आम वर्तमान जलवायु परिवर्तन खरा और बर्षा जा शीत आसे गोटे घड़ी मुहूर्त जो समय एठिकार जलवायु परिस्थिति सांगे जमुना ठीक भाव में जदि निज को खाप खुएनला समस्ते आश्वस्त हे और गोटे नुहे आहरी अधिक भविष्य में बाघ आणवाटा संभव हो पार कारण समस्ते श्योर हो
ଦେଇଯିବେ ଯେ ଯଦି ଯମୁନା ଠିକ ଭାବରେ ଏଠି ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେବ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତୃତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧୁ, ବାଘଙ୍କର ନେଚର ବା ବାଘଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାଘୁଣୀ ବାଘ ପସନ୍ଦ କରେ, ଇଏ ସବୁଠୁ ଜାଣିବା କଥା। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଯମୁନା ଶିମିଳିପାଳର ପୁରୁଷ ବାଘଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆଗକୁ। ସେଇଟା ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତା ଉପରେ କାମ କରିବେ ଯେ କେମିତି ବାହାରର ବାଘୁଣୀ ଏଠିକାର ଟେରିଟରୀରେ ଯେଉଁ ବାଘଙ୍କ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଯମୁନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆହୁରି 5ଟି ବାଘ ଆସିବାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।